हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे दीपावली के दिन रात को 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में जो भी व्यक्ति कर देगा उसके यहाँ सालों साल कभी धन की कमी नहीं होगी, सालों साल व्यवसाय में उन्नति ही होगी, शांति सुख समृद्धि संपन्नता का वास रहेगा। और आपको बता दें कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो उपाय क्या है जानते हैं। तो दोस्तों दीपावली के दिन दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में अगर आपके आसपास घर में या घर की इर्द गिर्द पास में ही अगर पीपल का पेड़ है तो पीपल का पेड़, यदि आंवला का पेड़ है तो आंवला, या फिर बेलपत्र का पेड़ है पास में तो बेलपत्र, इन तीनों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे ही ये उपाय करना है। ये नहीं कि तीनों वृक्ष के पास ही ये उपाय करना है, केवल इन तीनों में से किसी एक वृक्ष के पास ये उपाय करना है। तो उन तीनों में से एक वृक्ष जो आपके इर्द गिर्द है उसके पास जाना, वहाँ पर आपको 3 दीपक लगाना है। वो दीपक एक लक्ष्मी के लिए, एक गणेश जी के लिए, एक सरस्वती माता के लिए, 3 दीपक घी के लगेंगे। और उन तीनों दियों में 1 दीपक गोल बाती का, 2 दीपक लंबी बाती का जलाना है। क्योंकि इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि हमेशा माता के समक्ष लंबी बाती क्यों जलाई जाती है और देवताओं के समक्ष गोल बाती का दीपक क्यों लगता है। तो अब आपको 3 दीपक ले लेना है और ध्यान देना तीनों दीपक घी से भरे हों, खाली मत रखना। और उसमें एक एक कमल गट्टा जो हवन में चढ़ता है वो एक एक कमल गट्टा तीनों दीपकों में डाल देना। उसके बाद उन 3 दीपक में से गोल बाती के दीपक को जलाकर अपनी हथेली पर रखिए और माता लक्ष्मी का स्मरण करिए, कुल देवी का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए। जो भी आपकी मनोकामना है व्यवसाय से संबंधित, धन से संबंधित, उस मनोकामना को पूरी करने के लिए विनती करिए। और उसके बाद बाबा कुबेरेश्वर महादेव के स्मरण कर उस गोल बाती का दिया उस पेड़ के नीचे रख दीजिए। उसके बाद दूसरा जला हुआ दिया उठाइए और उस दिए की बत्ती अपनी ओर रखना और फिर अपनी कुल देवी देवता का स्मरण कर, पूर्वजों का स्मरण कर, जिस मनोकामना से दिया जलाने आए हो उस मनोकामना को पूर्ण करने की विनती करिए। और उसके बाद दिए की बत्ती पेड़ की तरफ घुमाकर रख दीजिए और फिर तीसरा दिया उठाइए और जब तीसरा दिया उठाना तब उस दिए का मुख अपनी ओर रखना और उसके बाद अपनी मन की मनोकामना को कहकर, अपनी इच्छा को बोलकर, व्यापार वृद्धि, धन संपदा, सुख समृद्धि, धन की पूर्ति, पूरे साल लक्ष्मी की वृद्धि इत्यादि जो भी आपकी विनती है, जो भी आपकी मनोकामना है उसको कहकर उसके बाद उस दीपक का मुख उस वृक्ष की तरफ करके रख देना और अपनी झोली फैलाकर वृक्ष के नीचे प्रणाम करना और अपनी झोली को वापस अपनी ओर गिरा लेना, यानी अपने सिर के ऊपर रख लेना और उसके बाद घर वापस लौट आना। लेकिन याद रखना पीछे पलटकर वापस मत देखना, सीधे घर प्रवेश कर जाओ और घर में जाकर आपने जहाँ लक्ष्मी गणेश का पूजन किया हो, स्थापना की हो, वहाँ पर प्रणाम करना। और जहाँ पर आपने लक्ष्मी गणेश का पूजन किया हो वहाँ पर यदि 1 रुपये का सिक्का हो या चांदी का सिक्का हो तो उसको उसी समय अपनी अलमारी या तिजोरी में उठाकर रख लेना। दोस्तों जिंदगी में कभी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी, कितनी भी पैसे की कमी क्यों ना हो, आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से, माता सरस्वती की कृपा से, भगवान कुबेरेश्वर महादेव की कृपा से साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेगा कि आपके पास कभी धन का अभाव ही नहीं होगा। और जो भी लोग इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस दीपावली ये उपाय जरूर करेंगे, आप खुद महसूस करेंगी कि क्या क्या नए बदलाव हुए हैं आपके जीवन में। इस दीपावली में किया गया उपाय आपकी आने वाली दूसरी दीपावली तक आपका जीवन कैसे बदलता है, क्योंकि ना कहीं आप जाएंगे ना तो हम, ये वीडियो अगले साल तक भी रहेगा। और फिर जब दीपावली आएगी तो आप देखना कि जो इस दीपावली में आपके पास नहीं था वो उस दीपावली में भरपूर रहेगा। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय जरूर करिएगा क्योंकि टोटका नहीं है, ये माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेरेश्वर महादेव की पूजन विधि है। धन्यवाद।